I'm on a very strict diet. अभी और कितना डाइटिंग करना है। ए लाइन मार रहे भाई, दया भाभी को बुलाओ। जेठा जी देखो खुले में लाइन मार रहे हैं। देखो हीरोइन पे से याद है, कल ही मैंने आपको याद किया। ओहो। मुझे? कैसे? ओ, कल केबल पे पिक्चर देख रहा था, वो बलम परदेसिया। रहा नहीं जाता तो उसमें वो हीरोइन को देख के आप याद आ गए। इतने फालतू हीरोइन थी वो। ऐसे करके कौन बेइज्जती करता है यार, मतलब इतनी खतरनाक वाली। मजा आया भाई, ये काम है ना सिर्फ हमारे जेठालाल जी कर सकते हैं। तो भाई आज जेठालाल जी को लेके आ गए, इनका देखेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो जिसमें इन्होंने दूसरे की भर भर के बेइज्जती। अच्छा तो जनता कैसे हो? हाँ भाई मजे में, मजे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, वीडियो शुरू करने से पहले ही बोल देता हूँ, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती कोई अपनी पत्नियों से बात नहीं। ये पिटने वाला दया भाभी से ऐसा लग रहा देख के, लेकिन कुछ देखते कुछ खतरनाक ही होगा। अच्छा दूसरे की पत्नी से बात तो कर सकते हैं। अरे भाई मतलब जेठा भाई जहाँ होगा मजा नहीं आएगा, हो सकता है क्या? नहीं यार दादे से मत कर भाई, खुले में लाइन मार रहे जेठालाल तुम्हारी बीवी पे। कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। जेठालाल का रुतबा है भाई गोकुलदास सोसाइटी में। हैप्पी बर्थडे मेरे शेर। जेठालाल का बर्थडे नहीं, नहीं टप्पू का बर्थडे है दोस्त। सुबह फोन करना। आप कौन? शेर का बाप बब्बर से। ओ भाई देख रहा, मतलब शेर का बाप बब्बर शेर। भीड़े का पोपट। क्या हुआ मतलब पो... अच्छा 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 एक मिनट, एक मिनट वापस देखते, वापस देखते। आप समझ गया भाई, भीड़े प्रैंक करने के लिए गया था, मगर क्या हुआ ना कि बेचारे का प्रैंक उस पे भारी पड़ गया। जेठालाल ने बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, तो भाई इसमें भीड़े का पोपट हो गया। जेठालाल को भी ढोकले बहुत पसंद है, और भले हो नहीं लेकिन अभी जरूर बंदा बोलेगा मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा क्या बात कर रहे हैं बबीता जी, आपको भी ढोकले पसंद है? आपको भी मतलब समझ रहे हो ना भाई, कितना खुले में लाइन मार रहे हैं। बीबी है, बाप है बगल में, फिर भी लाइन पूरा मार रहे है। क्या बात कर रहे हैं बबीता जी, आपको भी ढोकले पसंद है? जी मुझे भी ढोकले बहुत पसंद है। चल झूठा। अरे यार मतलब क्रश को जो पसंद है वो पसंद। अरे भाई ठीक है ना। अरे भाई जेठालाल के लिए क्रश बहुत खतरनाक है यार। ए रहा नहीं जाता, इसीलिए तो ढोकले जैसे हो गए। गजब बेइज्जती। ऐसी बीवी होगी तो भाई घंटा लाइन मारने देगी। बात तो सही है, जेठालाल की बीवी सही में अगर ऐसी बीवी हो तो बंदा बाहर लाइन मारेगा कहीं ना कहीं। अरे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए। तो बापू जी ने बचपन से सब सब्जी खाई है, तो देख कैसी है बॉडी। मतलब बाप को भी नहीं छोड़ रहा बंदा यार। बात तो सही कही है भाई, बॉडी देखो चंपक चाचा जी की खतरनाक ही है। लेकिन गलत बात है, देखो जेठालाल जी मतलब अपने क्रश का इतना ख्याल रखते हो, पिताजी का थोड़ा ख्याल रख सकते हो ना। मालूम है तेरे बाप को, मत बबीता जी को फोन करता हूँ। ज्यादा एक्साइटेड मत हो जेठा भैया, पीछे से गेट खुला हुआ, दया भाभी आ गई तो आपका यहीं पे डांडिया निकाल देगी। उन्होंने क्या कपड़े पहने? ए मतलब समझ रहे हो ना, मैचिंग से कपड़े पहन के जाना भाई, लोंडे होते हैं ऐसे। लोंडे के जेठा भैया तो आदमी हो गया लेकिन फिर भी लोंडे तो है। हेलो बबीता जी, कौन? यार ये उम्मीद तो नहीं की थी, मतलब सामने वाली बंदी पहचान भी नहीं रही है। जेठा। अच्छा बता भाई, मैं जेठालाल देख भाई, फोन पे नंबर तो देख, जेठा हूँ मैं। अरे देखना नंबर पागल, वो बंदा मतलब एकदम दिलो जान से प्यार करता है और ये नंबर तक नहीं देख रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओ भाई फोन कट कर दिया जेठालाल जी का। भाई ये बहुत गलत किया बबीता आपने, बहुत गलत। तेरा तो गेम बजाना पड़े। ए फ्यू डेज लेटर, भाई बदला तो लेंगे। अच्छा जेठा जी, हाय। कौन जेठा जी? भाई अभी पहचानने से मना कर दिया तूने, अब देखो जेठालाल से हेलो जेठा जी करने आई है। मतलब लड़कों को बेवकूफ समझ रखा, आप खूबसूरत हो क्या हुआ? अभी देखो जेठालाल का एटीट्यूड। हम लोग आप ही के घर पे आ रहे थे। हाँ तो जाना घर पे जाना, इधर जेठालाल के पास क्या कर रही है? भाई बंदे को बहुत गुस्सा आ रहा है जेठालाल जी को, बहुत मारेंगे अभी पकड़ के, अय्यर को ही मारेंगे साथ में फ्री में। क्यों? ये रसगुल्ले दिले थे आपको। ओहो मनाने आई है। नहीं चाहिए रसगुल्ले। नहीं चाहिए, चल चल निकल, हो गया बदला। शाबाश मेरे शेर। अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। मजा आ गया, और ले लो लड़के को हल्के में ले रहे, वो भी जेठालाल जी को। मजा आ गया, ओ मजा आ गया। क्यों हिला डाला ना? चलिए छोड़िए सेठ जी,
आइए गन्ने का रस पीते हैं। भाई बागा भाई अपने आप में अलग है, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये गन्ने का रस पीते हैं। जेठालाल को गुस्सा आ गया बहुत भयंकर। यहाँ मेरी लंका जल गई है, तुझे रस क्यों पड़े है? लंका, आप अपने आप को रावण समझते हो? अरे यार ऐसे कौन जवाब देता, मतलब अरे भाई वो आपके सेठ है। नहीं, सेठ का तेल लगाने, पहले हमको कॉमेडी करनी है भाई। सच में तारक मेहता बहुत खतरनाक शो है। बात तो सही है, आप अपने आप को रावण समझते हो? अरे यार भाई कुछ तो इज्जत कर ले भाई, जेठालाल है वो, सबकी बेइज्जती करते हैं। जेठालाल की ले ली, अरे भाई से कहते नेहले पे देहला। बहुत तेज हो रहे हो है। दया भाभी आ गई भाई, इनकी कमी थी, ये तो अपने आप में नेक्स्ट लेवल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मेहता साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, सूरज अस्त, हम सब मस्त। दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, रात में भी घर में पैर नहीं टिकता। अरे यार ए, किसकी बीबी? अरे मतलब जेठालाल की बीबी। अरे भाई जेठालाल की बीबी है तो ऐसी होगी ना, खतरनाक। जेठालाल खतरनाक, बीबी डबल खतरनाक। यार लिटरली बता रहा हूँ, बहुत हंसी आ रही है भाई, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। बस बहुत हो गया यार, आज के लिए इतना हंस लिए और ऑडियंस ने भी बहुत हंस लिया। भाई आप लोगों ने भी हंसा ना, हंसा ही होगा, नहीं हंसे ना तो फिर हंस लो, दोबारा वीडियो देख लो एक बार, हंसी आ जाएगी। अच्छा, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, हंसाते हम लोग आपको। अच्छा, हंस हंस के दिमाग पागल हो गया, तो फिलहाल तो भी क्या करते हैं, ज्यादा पागल नहीं होते। और अभी के लिए बाय बाय करते हैं। बाय।